अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं यार आप सब? ठीक हैं? तो अभी मैं पेट्स का खाना लेके यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक मुझे छोटा सा पपी नज़र आया है। इस पपी का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कौन है। यार ये आपने पिछले व्लॉग में भी हमारे देखा ही होगा, इसको हम खाना खिला रहे थे। इसकी जो मामा है ना, इसको छोड़ के जा चुकी हैं और ये इसी जगह पर रहता है। ये इसके पापा हैं लेकिन इसकी मामा छोड़ के जा चुकी हैं, जिसको खाना खिलाती थी। तो अभी मैं अपने पेट्स के लिए खाना लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इसमें से ना थोड़ा सा गोश्त निकाल के इसको भी खिला दूँ ताकि इसका थोड़ा सा पेट भर जाए। सर्दी की वजह से ना इसका जो भाई था ना, उसको भी खाना नहीं अच्छे से मिला, वो भी कमज़ोर होके इसको छोड़ के चले गया। अब ये अकेला रह गया, तो इसलिए मैं इसके लिए खाना लेके आया हूँ। थोड़ा सा खाना इसको खिला देते हैं इसमें से, ताकि इसका पेट भर जाए, आज इसका दिन अच्छा गुजर जाए। देखिए कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बच्चे को देखता जा रहा है। ओए ओए यार मारते नहीं, इधर आओ इधर आओ, इसको मारते नहीं है। देखा, इसके लिए मैं खाना निकालता हूँ भाई। ये आ गया इसका खाना। आजो आजो, बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले पहले बैठो। अरे नहीं, अरे सब्र करो ना यार, यार ये बहुत ज़्यादा भूख है। आप खुश हो ना? खुश हो? पेट भर गया ना? बताओ भर गया पेट? खुश हो गया ना? हाँ कह रहा खुश हो गया हूँ। ये दो महीने आ रहा है ना, इसका यही मतलब है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा तुम्हारे लिए खाना लेके, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी तुमने, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त मैं कर दिया करूँगा। क्या हुआ, मेरे साथ जाना चाहते हो? हाँ लगता है, कह रहा मुझे भी बिठा लो अपने साथ घर ले जाओ, यहाँ के लोग बहुत जालिम है, मुझे मारते हैं। इसका ना यहाँ पे रहने वाले लोगों से ना यकीन उठ गया है, ट्रस्ट नहीं करता ये अब यहाँ पे रहने वाले लोगों का। लेकिन मैं इसको खाना खिलाता रहूँगा ना, इसको प्यार करता रहूँगा, ठीक है ना? तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हें यहाँ के लोग इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि तुम कोई स्पेशल ब्रीड नहीं हो, सिर्फ बाहर के स्ट्रीट डॉग हो, इस वजह से ना तुम्हें कोई लोग मुंह नहीं लगाते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आया हूँ ना, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरफा क्या कर रही हो? ये देखो शार्क फिश को क्या हो गया। इसे क्या हुआ? अचानक ना इसे पता नहीं क्या हुआ, ये काफी देर के नीचे बैठी हुई थी, लेटी हुई थी ऐसे। मैंने अच्छा। इसे ऊपर उठाया, एकदम हिली है, मैंने इसे आराम से वापस छोड़ा है और उसके पास ही ऐसे है। इसको उठाओ दोबारा, इसको क्या हो गया अचानक से? पता नहीं सर, मुझे तो डर लग रहा है कुछ हो ना गया हो इसे। कुछ हो चुका भाई, इसको पकड़ना ही नहीं था ना तुमने, क्या किया भाई, निकाल के रखा हुआ था? लेटे थे बस, मैंने ऐसे किया, ये हिली है, मैंने वापस छोड़ दिया। दिखाओ। अरे ठंडी भी पड़ गई यार, भाई पकड़ो जरा। मुझे लगता है कि ये ना ठंड की वजह से छोड़ के चलेगी हमें। सर सबसे पहले आई थी मछली, कल रात को यार ठंड ज्यादा थी मेरे कमरे में, कल रात को हीटर बंद हो गया था ना, लाइट बंद हुई है, बिजली बंद होगी, टेम्परेचर कम हो गया होगा और उस वक्त पानी भी ठंडा हो गया होगा। मुझे लगता है इस वजह से ना ये हमारी शार्क मछली हमें छोड़ के चली गई है। क्या करें अब इसका बेचारी का, साथ देखते हैं क्या करते हैं, दफना देते हैं साथ। काफी पुरानी थी यार, 7-8 माह पहले आपने हमारा भी लोग देखा होगा, तब से हमारे पास थी, हम दिखाते नहीं थे, हमारे पास ही रहती थी कमरे में, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के चली गई। आखिरी मछली थी, इतनी देर से मैं साथ रहती थी, ये तो बड़ी अच्छी दोस्त बनी हुई थी मेरी, लेकिन ये भी छोड़ के चलेगी। कोई बात नहीं यार, इसकी जिंदगी इतनी थी। साथ आप इसे दफना देते हैं? दफना दें इसको? हाँ। दफनाते नहीं अरफा, ऐसा करते हैं, मेरा दिल कह रहा है कि इसको ना फ्रीज ही कर दें, फ्रीजर में रख लेते हैं। क्या कह रही हो, फ्रीज करेंगे हम इसे? एक हाँ काम करते हैं, बकले को खिला देते हैं। वो खा लेगा ये? हाँ हाँ, वैसे सही आइडिया, वैसे भी खाता है वो, वैसे सही आइडिया यार। इसकी जान तो निकल चुकी है, पिछले व्लॉग में हमने वो एक परिंदा रेस्क्यू किया था, बगला जिसे कहते हैं, तो वैसे तो वो गोश्त भी खा रहा है लेकिन ये भी मछली ना ज़्यादा शौक से खाता है, तो क्या ख्याल है फिर ये खिला दें उसको? हाँ। तो यार अब ये जो मछली और थोड़ा सा गोश्त है ना, ये मैं खिलाने लगा हूँ इस छोटे से प्यारे से परिंदे को। ये हमने ना कल ही रेस्क्यू किया था, बेचारा ना जख्मी हो गया था, इसको जंगली जानवरों ने जख्मी कर दिया था, तो इसको रेस्क्यू हमने किया था पिछले व्लॉग में, आपको पता ही होगा। तो इसको मैं ना गोश्त तो खिला रहा हूँ, लेकिन गोश्त के साथ साथ ना मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मछली है ना,
पहले तो मैंने सोचा था इस पे चारी मछली को ना फ्रीज ही कर लूँ, लेकिन फ्रीज करके भी क्या करना है, मार तो चुकी है ये, तो ऐसा ना करें कि ये वैसे भी ना तालाब में से मछलियाँ ढूंढ के निकाल के खाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज इसको ना हम खुद से एक प्यारी सी मछली ना खाने में दे देते हैं, तो ये खुश हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारे लिए मैं मछली लेके आया हूँ, तो इधर आओ जरा, ये देखो। अच्छो अच्छो, अरे ये तो डर रहा है, अरे ये तो शार्क मछली से डर रहा है। क्या हो गया, डरने की बात नहीं है, आ जाओ खा लो, ये लो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तुम्हारा मनपसंद खाना है यार, इधर देखो। अरे यार ये तो डर रहा है शार्क मछली से, बजाय उसको खाने के। मूड बना है, मूड बना है, ये देखे खा रहा है, खा रहा है, ये तो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े खा रहा है। शार्क मछली खाने का कोई इरादा नहीं भाई हैं देखिए यार कितना क्यूट लग रहा है खाते हुए, शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो खा रहा है, ये खाने से ना इसमें ताकत आएगी। यार वो बगला अभी अचानक यहाँ से बाहर निकला है और उड़ के ये इस जगह भी यहाँ पे आके बैठ गया है, और मुझे लगता है कि अभी से ना थोड़ा थोड़ा उड़ना आ गया है। यार इस वक्त बगला जो है ना ये ऊपर बैठा हुआ है, ये शार्क मछली से इतना ज्यादा डर गया कि अभी ये उड़ना शुरू हो गया, पहले ये उड़ता बिल्कुल नहीं था, अभी कल इसको पकड़ के लाए हैं। ये पता कौन सा काम हुआ है, डर के आके चीत है, ये वाला काम हो गया शार्क मछली से इतना ज्यादा डर गया कि इसने उड़ना सीख लिया। वाह, अगर तुम उड़ जाते हो ना तो यार अच्छी बात है, ये तो हम चाहते थे कि ये जल्दी जल्दी से उड़ना सीख जाए और उड़ जाए, और आज शार्क मछली ने काम दिखा दिया है, इसको डरा के उड़ाना तो सिखा दिया है ये बैठा हुआ है, अब यहाँ से खुद ही चले जाएगा दूर, मेरा काम हो गया यार, मैंने उसको खिला पिला दिया बस, अच्छा हो गया कि उड़ गया। अभी जैसे ही मैं ऊपर आया था ना, तो मुझे यहाँ पे एक कौवा नजर आया जो बेचारा मरा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया है, और इसके जो दोस्त हैं ना, इसके जो बाकी हमसाए वगैरह हैं, वो सारे के सारे ना यहाँ पे जमा हुए हैं, और इनको लग रहा है कि मैंने इसके साथ कुछ किया। मैंने यार कुछ नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम ना दो, मैं बस यार यहाँ से निकल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इनको लगे कि मैंने इसके साथ कुछ कर दिया और बाद में मेरी शक्ल ही ना बोले कभी, जब भी मैं बाहर रहूँ मुझे ठोंगे मारा करें सर पे, तो इससे अच्छा मैं नहीं इनसे कोई पंगा शंगा लेना, मैं चलता हूँ नीचे। ये रैबिट्स का खाना आ गया, अब ये खाना इन सारे रैबिट्स को जल्दी जल्दी से खिला देते हैं, तुमने भी खाना ये वाला खाना, चलो खा लो खा लो। पसंद है इस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ।